हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अर्चना जी, हां जी, कैसन टकर टकर देखत रहिन, कहां आंख मार के तो का फसाई लेब। आय हाय, भोजपुरी भाषा में कितनी मिठास है। हाँ। इतनी मिठास है कि मैं तो कहता हूँ अगर डॉक्टर बोल देना कि सुबह शाम हाँ। दुई ठो भोजपुरी लेवे तो पेट की जलन कम हो जाए। इतनी प्यारी भाषा है। अच्छा, भोजपुरी लोग ना जमीन से बड़े जुड़े होते हैं और ये खेतों से इतना प्यार करते हैं कि प्यार भी खेत में ही कर लेते हैं कभी कभी। अच्छा, भोजपुरी और पंजाबी लोगों में एक चीज बड़ी कॉमन है, दोनों गाने के बड़े शौकीन है और गाना गाने के चक्कर में अपना खेत तक बेच देते हैं और फिर जब गाना गा के हिट हो जाते हैं फिर दूसरों के खेत भी खरीद लेते हैं। अच्छा, बॉलीवुड में इतनी फिल्में रिलीज नहीं होती साल में जितनी पंजाबी और भोजपुरी एल्बम आते हैं। हाँ। आप देखना, पहले तो सब शादियों में पंजाबी गाने चलते थे। हाँ। आजकल पंजाबी शादियों में भोजपुरी गाने चल रहे होते हैं। हाँ। तो मोटा सा पंजाबी जिसको समझ में नहीं आता वो भी कह रहा ओ लगाई लू लिपस्टिक ओ पल्ले, मतलब एंजॉय कर रहे हैं लोग। भोजपुरी भाषा जो है वो बिहार से है और आप सब जानते होंगे कि जीरो की जो खोज करने वाले थे आर्यभट्ट वो भी बिहार से थे। वाह, ये बड़ी खुशी वाली बात है, बड़ी प्राउड फीलिंग है। सो आज यहाँ भी उसी भोजपुरी मिट्टी से दो ऐसे रतन जो हैं, मैं उनको इनवाइट करने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से लोगों का दिल जीता और बदले में लोगों ने उनको इतना प्यार दिया कि उनकी फिल्में तो सुपर डुपर हिट हुई, उनको चुनाव जितवा के मेंबर पार्लियामेंट भी बनाया गया। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा हम सबके प्यारे चहेते एक्टर सिंगर और MP फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली मिस्टर मनोज तिवारी। मनोज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज आप पूरे स्वैग में लग रहे हैं। अरे इतने लोग, नमस्ते जी, सबको सबको बाप रे बाप, बहुत सारे लोग हैं आपके बहुत लिए। बहुत अच्छा मनोज भैया, वैसे तो भोजपुरी में बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं पर आज आपका क्या कहना है, सबसे बड़ा स्टार कौन है आपकी नजर में? देखिए स्टार तो बहुत होते हैं, महास्टार अगर कुछ लोग हैं हाँ। तो वो शायद कहीं हो ही रहे होंगे, पता नहीं आज क्या होगा हम लोगों का। तो वैसे कुछ मुझे खुशबू उशबू आ रही है। अच्छा, हाँ, कि कोई सुपर डुपर स्टार की आ रही है। जब तक हम नहीं आते मनोज बाबू तब तक आप सुपरस्टार हैं और जब हम आते हैं गाय की जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, बोला नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। वो एक बार जोरदार तालियां हमारे सबके प्रिय रवि भैया और गोरखपुर से MP भी। आज आजकल नई चीज ऐड करनी पड़ती है। गोरखपुरिया कल बहुत गर्दा उड़ाए हैं गोरखपुर में। रवि भैया, मनोज भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए विराजमान हो जाइए। एक बार जोरदार तालियां रवि भैया और मनोज भैया के लिए। आपको पता है अर्चना जी, रवि भैया और मनोज भैया को साथ में देखना और दोनों को एक जगह लाना बहुत ही मुश्किल काम है और आज आप दोनों एक साथ आए हैं, तो मतलब आप में ज्यादा दोस्ती है या अर्चना जी को पसंद करते हैं आप? सेकंड वाला ऑप्शन। एक्चुअली अर्चना जी, आज मैं समस्त देश को बताना चाहता हूँ कि आप मेरी हीरोइन रह चुकी हैं, आपको नहीं पता। वाह, हम लोगों ने एक फिल्म की थी और बहुत आनंद आया था उस फिल्म में, जम के गाने गाए थे, पूरी एनर्जी झोंक दी थी, वो बंगला टूट गया उसके बाद, शूटिंग के दौरान टूट गया था। क्रेजी। अच्छा देख लो, जब तक सिद्धू जी रहे दोनों साथ में नहीं आए, आज सामने फूल आया तो फूल के समर्थन में दोनों आगे देख लो। नहीं वैसे हम लोग जब पिछली बार अलग अलग आए थे तो आपकी बहुत तारीफ हुई थी यहाँ पे। पता चला तो आपने मेरे पीछे बहुत सारी ऐसी बातें कही जो हम नहीं नहीं आप इनको पूछिए ना, मैंने बहुत तारीफ की थी। बिल्कुल, वो हमारे पास कुछ वीडियोस हैं, हम तुमको दिखाएंगे। ये दिखाने की क्या आवश्यकता है, हम तारीफ किए थे तो किए थे। देखो तारीफ बार बार रिवाइंड नहीं करते। आज तो हाथ लगे हो आप। अब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, मैं इस आदमी को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। क्यों? प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी।
मैं रवि को पहले गंभीरता से नहीं लेता था। अच्छा। लेकिन आजकल बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ। ऐसे क्यों? बहुत सारी चेंजेज आ गए हैं इनके में। लाइक संसद में भी सवाल पूछते हैं और पूछते भी हैं तो फंबल नहीं करते हैं, वरना सिनेमा में तो एक सीन करने में इतना झगड़ा होता था कि एक दिन का 3 दिन में शूट होता था। नहीं सच में अर्चना जी, मैं रवि भाई का बहुत इस मामले में प्रशंसा करता हूँ। आपने मनोज भैया कितनी फिल्में साथ में की होंगी आपने रवि भैया ने? हो ही नहीं सकती थी ज्यादा। क्यों? क्यों? हम दोनों में बड़ा 36 का मामला था, बिकॉज वी बोथ वर सुपरस्टार, दोनों के फैन फॉलोइंग का एक अलग लेवल था। और हम इनको अपने हिसाब से स्क्रिप्ट चाहिए थी, मुझे अपने हिसाब से, और एक आध दो चार फिल्म किसी ने बहुत लड़ झगड़ के हम लोगों से करवाई भी, तो वो फिल्म में बड़ा डिस्प्यूट भी बहुत हुआ। नहीं, समस्या इस बात की है कि स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए तो पहले साइन करने के पहले देख ही लेना चाहिए। लेकिन जिस सेट पे स्क्रिप्ट बदलने लगे तो वो नमस्कार। अरे भाई देखिए, मेरा डिबेट ये था कि मैं सिनेमा का छात्र रहा, मैं सिनेमा को पढ़ के आया था, और फिर हम दोनों में ईगो क्लैशेस बहुत होते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ, हम एक फिल्म में हम एसपी बने थे, ये चोर बने थे। तो एक दिन मैं पकड़ लेता हूँ, तो ये बोलते हम मैं मारूंगा कि मैं एसपी हूँ। मैंने क्या बोला कि तुम मेरे गांव आए हो, तो मेरे गांव आए हो तो तुम मुझे छू नहीं सकते। ये बोलते हैं कि हम तरह के अरेस्ट करें, यू आर अंडर अरेस्ट इनके स्टाइल में। तो हम बोले हेलो वेट, मैं बोला हम वो है कि हमरे यार पत्ता गिरे से पहले पूछे ला कि हम पेड़ से गिरी कि ना। हम मतलब पत्ता भी, हाँ तो फिर ये आए। अच्छा, असल में ये सिनेमा में होता क्या, देखिए हमारे सीनियर हैं ये, हमसे पहले से पिक्चर करते थे कपिल भाई जी। मैं तो बाद में आया, मैं इनके फिल्म में आइटम सॉन्ग कर चुका हूँ। अच्छा जी। हाँ? वाओ, रियली? वाओ, फिल्म में ये 25,000 रुपया लिए थे, मैं आइटम सॉन्ग का 1,00,000 रुपया लिया था। लेकिन जब मैंने फुल फेज फिल्म किया जो कि सिल्वर जुबली हो गई, तो इन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया। ये मुझसे मिलने गेस्ट हाउस में आए। नहीं नहीं, अच्छा। तुम्हारी फिल्म आई नहीं थी, आ गई। अरे हिट हो चुकी थी, तुम करने वाले थे, ससुराल लग गई थी। जब करने वाले थे तब तुम कहाँ पहचानते थे? प्यार, देखो तुम, मैं तुमको, नहीं नहीं प्यार तो मैं करता था। ये ठीक बोला इन्होंने अर्चना जी, जब हम लोग केवल गाना गाते थे उस समय सिंगर्स की वैल्यू ज्यादा थी, ही वॉज ओनली ए स्टार इन भोजपुरी सिनेमा, तो ये हम लोगों को समझता ही नहीं था। एक बार बताएं, ये एक नंबर के झूठे, ये पहले भीड़ में खड़े रह के मुझे, मैं स्टार था, मैं स्टार, ये आदमी वहां पे क्राउड में खड़े रह के, इन तो मुझे डायरेक्टर ने बोला इनको गाना गवाना चाहिए नहीं, ये लाल स्वेटर पहने थे। बोले ये बड़ा पॉपुलर सिंगर है यूपी का उस टाइम पे, और मैं मुंबई में ज्यादा रहता जब बम्बई हुआ करता था। हम बोले हाँ भाई मनोज तिवारी जी, हम नाम सुने हैं, चौकिया माई पे हमारे जौनपुर में गाना गाए थे, तब आए। और मैं भोजपुरी सिनेमा को एक किसान की तरह रौंद में, मैं पैसा लेने के लिए नहीं आया था, मुझे लगा था एक इंडस्ट्री बनाऊंगा, एक अपनी भाषा अपनी माँ की बोली को, तो मैं पैसे पे अहमियत कभी दिया ही नहीं। क्योंकि भोजपुरी सिनेमा ना कपिल भाई, 28 साल का गैप था अर्चना जी, खत्म हो चुका था। अच्छा। हाँ, उस समय हम लोगों की फिल्म सुपर हिट हुई, तो ये तो जरूर उसमें 2-3 फिल्म बना चुके थे, तो वो जो दौर 27-28 साल बाद एकदम से धड़ाक से आया, अमिताभ बच्चन जी हम लोगों के साथ फिल्म करने लगे, वो मेरे लिए हम लोग। अच्छा, एक बार बताओ, गंगा पिक्चर का हीरो तो मैं था अमिताभ बच्चन, आज मैं सरेआम जानना चाहता हूँ, और तुम बताओगे, अचानक पिक्चर दी एंड हो गई, फिर मैं एक ऑफिस में फोटो देखता हूँ, तुम्हारा मूवी उसमें आ गया, तुम कौन सा राजनीति करके वो पिक्चर में घुस गया और क्या गेम खेला आज बता दो देश। नहीं नहीं, अब देश में देखिए फिल्म बन गई, बिकी नहीं रही तो हम क्या करें। नहीं, नहीं, नहीं। अरे नहीं, नहीं, अरे नहीं, अरे अरे तुम अजीब आदमी है, अरे अमिताभ बच्चन साहब थे उसमें, अमिताभ बच्चन के साथ कॉम्बिनेशन मनोज तिवारी का नहीं था ना। अच्छा, मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है
कि आप दोनों एक ही पार्टी से चुनाव लड़े हो। पहली बार ये हुआ कि हम दोनों एक साथ आए और शायद आज दिल की बात निकलेगी और पता नहीं इनके पिटारे में और क्या क्या, ये भी तो हम लोग खुद ही बड़बड़ा रहे हैं। ये इतिहास होगा ये, मैं बताऊं, क्योंकि इसके बाद हम दोनों एक मंच पे नहीं होंगे, हम लोग नहीं, पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज दोनों का इतिहास है, दोनों की अपनी एक लड़ाई। मैं छोटा भाई हूँ आप। अरे भाई छोटा भाई बोला है। तुम छोटे हो, आपसे 7 साल छोटे हैं। पीछे से बट ये दोनों के साथ ही याद रहे कि मैं इनको भी सुनता हूँ, खुद को भी जानता हूँ। हम दोनों किसी व्यक्ति को स्ट्रगल करके बिना किसी सहारे के सुपरस्टार बनते देखा है, तो हम लोगों के बगल में बैठे। अरे सर, लव यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, आप सब तो जानते हैं कि मनोज भैया, रवि भैया फिल्में तो करते ही हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और पॉलिटिक्स में भी हैं, अभी बहुत सारे काम आपके मिलते और हैं भैया। दूसरा टॉपिक भी है। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि इतने गुण तो पति पत्नी के नहीं मिलते जितने आपके मिलते हैं। तो ये सच्ची में आपके ख्यालात और शौक एक जैसे हैं या एक दूसरे पर नजर रखते हैं कि आप ये कर रहे हैं और मैं भी ये करूंगा? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि व्हाई, व्हेन आई कैन डू इट, मैं भी करता हूँ, मैं भी खेलता हूँ। इनको बड़ा गर्व है बिकॉज ये खेलते रहे, स्टेट लेवल पे खेलते रहे। अच्छा। तो इनको पता नहीं था, ये हमको बड़ा हल्के में लेते थे कि हमारी, अरे आएगा चलेगा क्या करेगा पता नहीं, मैच में आएगा, तो ये हमेशा, इनको मालूम ही नहीं था कि मैं गेंदबाज भी हूँ। अच्छा, अंडर एस्टिमेट ये करते रहे। मैंने सुना था आपके शो में मेरे बारे में कुछ बोल के गए थे। वो एक है वीडियो, आपको दिखाऊं? हाँ दिखाओ वीडियो, दिखाओ। जब सीरियल शुरू हो रहा था तो हम लोग पूरी टीम बना रहे थे, तो हमने रवि भैया को फोन किया, रवि किशन जी। अच्छा जी। तो भैया टीम बन गई है, हम लोग खेल रहे हैं और सीसीएल में बात हो गई हमारी, सुनील सर हमको मिल गए थे वहाँ, तो बोले अच्छा 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 बहुत अच्छा, चल चल तैयारी करते हैं, बैट बॉल सब खरीद लेते हैं। मैं बोला नहीं वो तो खरीद लिए। बोले कौन? बोले नहीं वो मनोज भैया खरीद लिए। बोले मैं नहीं खेलूंगा। मैं बोला क्यों, क्यों आप क्यों नहीं खेलेंगे? बोले अगर बॉल बैट उन्होंने खरीदा है, बॉलिंग भी वही करेंगे, बैटिंग भी वही करेंगे। सर एक और हाईलाइट है, हाँ, कि मुझे ये क्या काम देते हैं वहां पे, बोलते तू ना रवि जी के पास बैठ। क्यों? वो क्या है ना, वो बिना बोले उतर जाएगा, तू पकड़ के रख। नहीं वो पहले ओवर से ही बैट पैड वैड पहन लेता, बोलता मैं ओपनिंग करने जाऊंगा, और फील्डिंग में भी सोचते हैं चल भाई तू बैटिंग कर ले, कहीं करा देंगे। बोलेगा कि मैं शुरू से फील्डिंग करूंगा। अब कैच छूट गया, अब कैच आया, पकड़ किधर किधर। इन लोगों को क्रिकेट मैंने सिखाया। ये सही है, ये मनोज सही को है। पहली बात तो गेंद मैं दिखाता था कि मनोज लेफ्ट में जा रही गेंद, इन्हों को बोलना पड़ता था कि इन्हों के कदम नहीं उठते थे, बैट ये लोग ऐसे खड़े रह गए। तब जाके मैंने बोला बैट देयर इज अ स्टांस मैन, यू हैव टू होल्ड इट एंड देन प्ले। मैं बोला ये क्या बोल। तो अब समझ गए, क्योंकि मैं नहीं था इस शो में। हाँ, तो बोल गए। समझ रहा, हम नहीं थे तो इतना बोल गए, नहीं तो हम रहते ये बोल पाते। अब क्योंकि आप साहब ने, तो इसलिए हम पूछना चाहते थे किसने किसको क्रिकेट सिखाया, क्योंकि एपिसोड अलग अलग है। अभी तो ये बोले थे कि मैं स्टेट लेवल खेला हूँ। हाँ, बट क्या उस समय कोच थे हमारे? बट समटाइम्स यू फॉरगेट, एक शरीर होती है, शरीर में ऐठन हो जाती है। मैं फिर स्टांस, आई यू नो वेरी इंग्लिश, आई एम अ इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन। ये अपना सुना एकदम यार, गंगा जी के पास वाला, लिया रे मारी। अर्चना जी ही इज गुड बॉलर। अच्छा, अगर ये उनको बॉल दे दिया हमने मैच में, वो भले 13 वाइड कर दें लेकिन आप बॉल मार नहीं सकती। You don't have a ball bat here? Yeah, lao, lao, lao. Please, bat ball. Lao, lao, chalo, chalo, chalo. Lao, lao, lao. Abhi khelte hain. Aao, lao. Aur agar ek bhi ball. Nahi, ab chodo na, bakaiti, aao. Oh,
अरे भाई टूट जाएगा सब। आओ आओ आओ। I hope it's not a season ball यार। Come on, अभी क्रीज पर है मनोज तिवारी, फेंकने वाले हैं बॉल और बैट लेके एक रॉकस्टार की भांति और ये लगान। मनोज भाई एक एक बॉल तो खेल लो आप। अच्छा हाँ, ताकि फिर हम ये क्लिप चलाना बंद करें। अरे कहीं जैसे चौवा मार दिया वैसी बोल्ड मार दिया तो जीने नहीं देगा। म्यूजिक प्लीज। वाह वाह। अब कपिल शर्मा शो में ये क्लिप बंद हो जाएगी। ये कौन गुरु कौन चेला। अरे प्लीज। वो रवि भैया मनोज भैया भैया लोग आपको जानते हैं एज ए सुपरस्टार्स, आप पॉलिटिक्स में भी हैं पर हम हैं तो इंसान ही, तो वो आपके फैंस ये जानना चाहते हैं कि ये काम आपने कभी किए हैं या नहीं। आपके फैंस के सवाल हैं कि दूसरा एक फिल्म के कितने पैसे ले रहा है, ये कभी जानने की कोशिश की है? हाँ, इसके अलावा और कुछ जानने की कोशिश नहीं होती थी। सारा झगड़ा तो इसी बात का है। हाँ, कि भाई साइनिंग अमाउंट कितना दे रहे हो, उनको कितना दे रहे हो। अगर एक फिल्म में दोनों हैं तो ये जरूरी रहेगा कि कितना स्टाफ आएगा। वैनिटी वैन बड़ी वाली चाहिए, कोई कमजोरी नहीं है। मतलब वो वैन में अगर एक्स्ट्रा टीवी लग गया तो उधर बवाल फिर वो। वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहुत ज्यादा लेता है ना वो चुप ही रहता है। तुमको क्या पता हम कितना ले रहे हैं। अच्छा क्योंकि आप दोनों राइवल रहे हैं और इस बात का फायदा उठा के कभी किसी दूसरे कलाकार ने आके एक दूसरे के सामने किसी एक दूसरे की बुराई की है? भैया हम उनके पास गए थे, आप ही हो बस सही, ऐसा होता है? ऐसे बहुत लोग हैं लेकिन वो ज्यादातर कैरेक्टर आर्टिस्ट। हाँ, 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 हाँ। अच्छा कभी कोई ऐसा क्रेजी फैन मिला है आपको जिसको देख के आप भी घबरा गए हो कि भाई ये कैसे कर दिया? एक फैन था, हम पटना थिएटर में गए थे, फर्स्ट फ्लोर बालकनी से ही वांटेड टू जंप टू टच मी। ऐसे मैडनेस होते हैं फैंस के, बट उनको हम समझा देते हैं डांट डपट के कि ये सब पागलपन, नॉर्मल इंसान है हम लोग। अब ये सोशल मीडिया आ जाने से कम हुआ और अब तो आप लोगों को रिप्लाई भी कर देते हैं। अभी आपको आना पड़ेगा सोशल मीडिया में, नहीं तो पैकअप हो जाएगा आप। अब तो फैंस भी अलग, मतलब एक दिन में 50 मैसेज भेज देंगे, फिर शाम तक उनको बतिया ही कहना पड़ेगा भैया देखो हम भी इंसान है। अब उनको हर्ट भी नहीं कर सकते, ब्लॉक कर देने से फिर वो गाली वाली भी देने लगेंगे। बहुत प्रॉब्लम भी है। अच्छा आप दोनों अभी मेंबर पार्लियामेंट हैं, कभी ऐसा हो कि आपके पास कोई आया हो स्क्रिप्ट लेके ऐसे ही कि हम प्रोड्यूसर हैं और बाद में धीरे से कहा हो कि मेरा बेटा टीचर है प्रिंसिपल बनवा दो, बहाने से घुसा कोई आपके घर में? प्रोड्यूसर बन के आते हैं। भोजपुरी सिनेमा हम लोग 2.5 करोड़ में बनाते हैं। Wow, अर्चना जी, और इसी के कारण उसका 4-5 करोड़ भी हो गया तो फायदे में है जी। तो कुछ लोग ऐसे आते हैं इकट्ठे 5 करोड़ की बनानी है, तो थोड़ा सा तो हो ही जाता है कि यार थोड़ा इसको पकड़ के रखो। बाद में पता चलता है कि एक्चुअली ये कुछ काम कराना चाहते हैं। तो ऐसा मेरे साथ 4-5 बार हुआ। अरे बाप रे। नहीं 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 नहीं
नहीं अरे यार अर्चना जी कपूर शर्मा देख रहे हैं आप? हाँ देख रहे हैं यार, आज तो कमल के लोग आए हैं। कमाल के लोग आए। सही पहचान, आज अपने बिरादरी के लोगों को देख के धन्य होगा। रवि जी मनोज, कैसे हैं आप? अरे बहुत बढ़िया यार, आपसे बहुत दिन मुलाकात नहीं हो तो मन में नहीं लगता है। अरे क्या बात है यार, ये कह के आपने हमें धन्य कर दिया यार, आज तो गर्दा उड़ेगा गर्दा। चक दे पटना नप दे दरभंगा। चक दे फट्टे नप दे किली होता है यार। कप्पू शर्मा वो तब होता है जब पंजाबी आता है। आज हमारे यूपी बिहार का आज यही होगा जो हम कह रहे हैं। अरे होगा यार, मजा आ गया यार सच में। आज यहाँ पे ना बुर्रा नहीं होगा, नहीं होगा। आज ससुर के नाती होगा, बुड़बक होगा, बकलौल होगा, भैंस की पूंछ होगी, भैंस की टांग होगी, जिंदगी झंडवा होगा, फिर भी घमंड होगा। रवि भाई दिल्ली में आपने पहाड़गंज देखा होगा। हाँ। ये उसका छोटा भाई दहाड़गंज है, ये तंग करने आता है हमेशा। मनोज जी अपना ये बिहार में फेमस जगह है ना गया, गया यहाँ पे इनका गया भी बहुत फेमस है। तू फिर आ गया, तू अभी तक नहीं गया, तेरा हो गया, ये चलता है इनका यहाँ पर गया गया। शर्म नहीं तेरे को आती कि इतने बड़े लोग आए, खाली हाथ आ गया, कुछ ले आता तू? तो खाली हाथ आएंगे यार, हम कौन से नरहुआ हैं जो आम्रपाली को साथ लेके आएंगे। सर लेकिन आप लोग धन्य है सर, कहना है बस ड्रिक्सान की पूर्ति करें। नहीं एकदम, अरे सर लेटो आप, धन्य है आप लोग सर। सर कमाल का बात यह है कि आप लोग एक्टर भी हैं, साथ में सिंगर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, भूल गए नेता भी हैं। नेता को तो यहाँ पे कौन भूला है, कप्पू शर्मा सबको पता है। देख रहे हैं सर, हमारी टांग खींच रहे थे, कैसा ईंट का जवाब पत्थर से दिया हमने इनको। हाँ तो सर पे भट्टे की चिमनी लगा के घूम रहा है, मुंह से ईंट पत्थर निकलेगा तेरे। कप्पू शर्मा इसका जवाब ना हम आपको अगले एपिसोड में देंगे। अच्छा। तब अच्छा। तक आप अपना आसपास सफाई बनाए रखें। हाँ। और देखते रहिए खुद का शो। अरे सर लेकिन रवि जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये नेता गोरखपुर से हाँ है। हाँ। लेकिन दूसरा जिला में भी बहुत कच्चा काम किया है। कौन से जिले में? जिला गाजियाबाद। फिल्म है सर आपका, हम देख रहे हैं कमाल का एक्टिंग किया सर। संजू बाबा। अरे सर आपका सारा का सारा भोजपुरी फिल्म भी हम देखे हैं। वो कौन सा था यार, लाखों में एक हमार भौजी। भौजी। अरे अच्छा हुआ वो फिल्म में आप हैं, अक्षय कुमार नहीं है। क्यों? वरना वो भौजी को फौजी कर देते। बच्चा तू क्या फालतू बातें कर रहा है, क्या सोचेंगे मेहमान? अरे क्या सोचेंगे, यही सोचेंगे ना कि यूपी बिहार का लौंडा गदर मचा रहा है, यही सोचेंगे। क्या बुरा बात है यार। रवि जी आप मेरी डैड की मारुति में थे ना, तो? और मेरे डैड के पास तो मारुति है ही नहीं, तो किसकी मारुति में काम करा यार। लेकिन सच बताए रवि जी, आपको ना केबीसी शो है ना, इसमें आप जाइए, हर सवाल का उत्तर ऐसे देंगे आप, ऐसे कैसे? अरे उत्तर प्रदेश से है तो ये उत्तर नहीं देंगे, तो कौन उत्तर देगा यार, इनका ही उत्तर देना बनता है। अरे यार मजा मनोज जी। अरे वाह रे वाह। अरे मनोज जी सुनिए ना, आप कभी सारा फिल्में देखे हैं हम, आप गंगा किए, गंगोत्री किए, फिर भोले शंकर की है। हाँ। तो यार फिल्में कर रहे हैं कि चार धाम का यात्रा चल रहा है। बच्चा तू यहाँ करने क्या है आज? हम अपनी सरकार बनाने आए, बनवाओगे? पूछते तो ऐसा है जो बड़ा सपोर्ट है इनका हमारे ऊपर, कुछ नहीं है। वजह सर आपको सच बताए, एक जॉक्स का पिटारा रहता है हमारे पास, लेकिन आज हम वो पिटारा नहीं लाए हैं, हम फिल्म का पिटारा लाए हैं। एक कमाल का फिल्म लिखे है हम, उसका थोड़ा सुनाना चाहेंगे आपको। हीरो कौन है? एक गंभीर फाइल हो। ओहो बैठिए सर, नकली हैं। नकली हैं? हाँ। Hey, there, man.
बटन फिट किया है जूते में। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाथ छोड़ दो, हाथ तो बहुत ही अच्छा लगा आप यहाँ पर आए। हम आप लोगों के प्रणाम करता नहीं, कोड़ पड़ता नहीं, दिशा पटा नहीं। माय नेम इज शीला, शीला की जवानी। रमेश तोरानी, विजय गलानी, बैठिए बैठिए बैठिए। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए। क्या बात है रवि जी, आए जने की झंड बा फिर भी घमंड बा, ये खाइए इसके अंदर श्रीखंड बा। बढ़िया है। ही हंसते ले रिंकिया के पापा, रिंकिया के पापा ही हंसते हैं। हमारे बगल में एक चिंचिया के पापा रहते हैं। अच्छा, वो छी 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 छींकते हैं। माफ कीजिएगा, हमारा हाथ से विनोद निकल गया है। ऐसे ही निकलता रहता है, वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमने साथ में काम किया है गंगा में, और श्रीमान ड्राइवर बाबू। नहीं नहीं नहीं, उसमें बचपन साहब तो नहीं थे? बचपन साहब नहीं थे, हम थे ना अंदर वाले, वो अपनी बात कर रहे हैं। श्रीमान ड्राइवर बाबू कृष्णा अभिषेक थे। लेकिन हमका अंदर तो वैसे भी गोविंदा है ना। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, और व्यक्तिगत मामले में टिप्पणी देना नंदनीय है, बंदनीय है, छंडनीय है, समझे? बिना गर्दनीय भाई साहब। आप अपने हास्य विनोद पर ध्यान दीजिए, और हमें मेहमान पर ध्यान देने दीजिए। दीजिए दीजिए। बहुत अच्छा लगा है। हम आपका अभिनंदन करते हैं, मंदन करते हैं, चंदन करते हैं, सुबह उठ के मंजन करते हैं। आइए बनारस घाट पे, वहां मुंडन भी करते हैं। ए, हमारा हास्य विनोद निकल जाता है। और बताना, ए, हमारा दूसरा हास्य विनोद था, मार्क कर लेना। ये चैनल वालों को बताना पड़ता है, नहीं तो चेक टाइम पे नहीं देते हैं। वैसे रवि जी, आप में और हमारे में एक चीज बड़ी कॉमन है। क्या? हमारा गांव मांडवा है और इनका डायलॉग झांडवा है। आपको पता है आपके अंदर एक मांडवा है, और आपके अंदर एक बहुत बड़ा सांडवा है। यार यहाँ पर हम अच्छा खासा कहानी सुना रहे थे इनको फिल्म का, आप यूं बीच में आ गए। हम जूहू पे रहते हैं, और जो आदमी जूहू पे रहता है वो बीच में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। नाभी से सांस लेने वाले इंसान। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आप सांस ले रहे हैं? नहीं, चुम्मा ले रहे हैं। देखिए भाई साहब, हम आपके फिल्म में काम करने के लिए तैयार हैं। ऐसे कैसे काम करने देंगे यार आपको? भोजपुरी फिल्मों का कुछ एक्सपीरियंस है? 30 फिल्में की हमने, 23 फिल्में। नहीं नहीं, हमने सुना आपने तो 2 फिल्में किया भोजपुरी। वो तो बच्चन साहब ने किया ना, मैं अंदर वाले की बात कर रहा हूँ। 30 फिल्में की हमने, 23 फिल्में। अब हमें फिल्म की कहानी सुनाइए। टाइटल है छोरी रही घाघरा में, छोरा रहा आगरा में। मैं तो कहता हूँ भैया, इस फिल्म में थोड़ा सा सस्पेंस डालिए। अरे यार, आप बोले उससे पहले डाल चुके हैं सस्पेंस। क्या कमाल का सस्पेंस है, सुन के मजा आएगा। कि टाइटल में लड़की है, हाँ, लेकिन फिल्म में लड़की है ही नहीं। ये नहीं, तेरी भैंसिया का पूछ मारो। भोजपुरी फिल्म में लड़की नहीं है, ये तो वो बात हुई कि मनोज जी हैं, तिवारी जी नहीं है, रवि जी हैं, किशन जी नहीं है। बात कर रहे। अरे भैया, यहाँ से शूटिंग करने के लिए हम बिहार में जाएंगे। मुंबई से बिहार जाने का कोई मोटिव तो होना चाहिए। मतलब? और मोटिव ना हो तो कोई पतली भी हो। एक्चुअली ना, सीन सुनिए फिल्म का, आपको ज्यादा मजा आएगा। देखिए, सुहागरात का सीन है। तो यहाँ पर आप जो है लेटे हैं, ऐसे लेटे? नहीं नहीं, आप ऐसे लेटे, अजीब बात में ऐसे लेटेंगे ना यार, ऐसे कौन लेटता है? तो आप ऐसे लेटे हैं, वो हीरोइन जो है वो अपने ग्लास में दूध लेके आती है। भाई, ग्लास में दूध नहीं, सिर्फ 2 बूंद जिंदगी के। अच्छा, वो ग्लास में भर के दूध लाइए, आप 2 बूंद पी लीजिएगा, आपका मर्जी है। ठीक है ठीक है। लाके आपको दूध देती है हीरोइन, आपसे कहती है बाबूजी दूध पी लीजिए। क्या बात है, बाबूजी क्या होता है? अरे रिश्ते में आप उसके बाप होते हैं, नाम है बाबूजी। क्या बात है, क्या बात है। आप दूध पीते हैं, दूध पी के आप सो जाते हैं, हीरोइन जो है मनोज जी रवि जी के साथ चली जाती है।
हीरोइन मनोज जी और रवि जी के साथ क्यों जाती है? क्योंकि उसने आपकी 30 फिल्में देखी है। देखी है। अरे लेकिन मैंने तो सिर्फ 2 फिल्मों में काम किया है। नहीं नहीं, आपने आपके वो जो अंदर दोहरी जिंदगी वाला है उसकी 30 फिल्में देखी है उसने। ये क्या है? समय समाप्ति की घोषणा। देखिए भैया, हम ये फिल्म नहीं कर सकते क्योंकि हम ऑलरेडी निरहुआ के साथ एक फिल्म कर रहे हैं। आप नहीं कर पाएंगे तो हमारे ये सारे सब्जेक्ट्स का क्या होगा? एक मिनट इधर लाइए। आपके घर दिया है? दिया तो है। ए! इसकी बत्ती बनाकर जलाइएगा। यार आप इतना मायूस क्यों हो रहा है? दुखी मत होइए, आपको साइन करते हैं हम फिल्म के लिए। चलिए, आपको फिल्म के लिए साइन किया। क्या बात कर रहे हैं? अरे हाँ हाँ, अरे इस बात पे तो मीठा होना चाहिए भैया। अरे बैग में ही पड़ा है, ये लीजिए ये लीजिए। ये देखिए, हमारे पास खीर पड़ी है, ये खीर खाइए आप। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, मीठा साथ में साइन हो गई हमारी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया खीर है। कहाँ से मंगवाई? ये सेट मैक्स से, सूर्यवंशम है ना। दुखी मत होइए, आपको हीरोइन मिलेगी। मिलेगी हाँ, लेकिन बजट थोड़ा कम रहेगा। मिलेगा हाँ, लेकिन वो विलन को मिलेगा। 10 करोड़ मिलेगा। मिलेगा हाँ, लेकिन आपको नहीं मिलेगा, इन दोनों को मिलेगा। एक मिनट, ये जो तुमने 10 करोड़ वाली बात कही है ना, मैं तो फिर भी नकली बचपन हूँ, लेकिन देश के लिए ये लोग जो काम कर रहे हैं वो 10 करोड़ नहीं 1000 करोड़ के बराबर है। दोनों के लिए 100 करोड़। वाह वाह, कहा आपने, वाह वाह। आइए, आपको तो हम पीछे देखते हैं। हम तो मिलते हैं। बहुत 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 शुक्रिया सर, मजा आया मिलकर सर। आइए आइए आइए। रवि भैया, मनोज भैया, कुछ अफवाहें हैं। अफवाह है? जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो मनोज भाई, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको फिल्मों की ऐसी आदत लग गई है कि जब भी आप कभी किसी रैली में जाते हैं, पीछे से जब तक कोई एक्शन नहीं बोलता आप भाषण शुरू नहीं करते। तो ये इन्होंने अपने 2-3 लड़के भी रखे हैं, एक स्टार्ट बोलता है, एक साउंड, एक कैमरा, एक्शन। जब ये 4 लड़के, अंदर की बात थी लेकिन आज आपके सामने हम निकल गई, तो 4 लड़के इन्होंने रखे हैं कि एक्शन बोलता तब ये मूड में आते हैं। अगली अफवाह आपके बारे में। अच्छा। रवि भाई, ये अफवाह है कि आपने इस बार गोरखपुर से इलेक्शन इसलिए लड़ा क्योंकि 2009 में मनोज भैया वहां से लड़े थे। ये हारे थे और मैं जीता। अरे 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 अरे, भाभी भारती जी आई है। ये क्या? इधर हो ना, दिख नहीं रहे, नेता लोग आए। भाभी बैठो इधर अपना स्कूटर लेके। ये क्या बनी हुई है? क्या बनी हुई हो क्या? इतने मतलब बड़े लोग हमारे शो में हॉट बन के आए हैं, तो मैं ना हॉट बन के आऊं? मैंने सोचा मैं भी थोड़ी हॉट बन लेती हूँ। कहाँ से हॉट लग रही हो तुम? तो ये कहाँ से हॉट लग रहे हैं? अभी ढंग की बात करो भी, इतने बड़े नेता आए हैं ऐसे। कैसी हो तुम? आप कैसे हो रवि बाबू? 2 एंटीना क्या है तुम्हारा? वो क्या है, एक इनके लिए सिग्नल और एक आपके लिए। और पूछो। नहीं, ये कह रहे इतने बड़े नेता आए और वो भी खाली हाथ। तो क्या आपको नहीं पता था तिवारी साहब कि आप जा रहे हो तितली से मिलने, एक छोटा मोटा मंत्री ले जाओ। भाभी ये कैसी बातें कर रहे, मंत्री कहाँ से ले आते हो? मैंने देखे इनके पास बड़े छोटे छोटे मंत्री, जब ऑफिस से निकलते हैं आते जाते वैसे ऐसे करते हैं। वो संतरी होते हैं भाभी। वो तो छील के खाते हैं ना। वो संतरा होता है। हाँ, तो मैं उसी की बीवी की बात कर रही हूँ, संतरी। इसका मतलब फिर इस हिसाब से केले की बीवी क्या हुई? देवर जी, केले का कोई नहीं होता, इसीलिए तो वो केला होता है। क्या बात है, यही फालतू बातें करने आई हो भाभी? नहीं देवर जी, इतने बड़े नेता हैं अर्चना मैम, मैं आप लोगों से कुछ फंड लेने आई हूँ गरीब बच्चों के लिए। कौन से गरीब बच्चे? मेरे गरीब बच्चे यार रवि बाबू, कहा बताए तो का?
हम इतने गरीब हैं कि हमार 11 बच्चे हैं और वो जब पैदा हुए थे ना नंगे पैदा हुए थे। अरे बाप रे बाप, तो इसमें क्या है? बड़ा दुख हुआ तुम्हारे साथ, तो बड़ा अत्याचार। देखो ना, इंसान और जानवर में फर्क होता है? नहीं नहीं, इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं होता। क्यों? जैसे हम किसी को बताते हैं ना कि हमारे 11 बच्चे हैं तो वो कहते हैं जानवर कहीं के, तो फिर क्या फर्क हुआ? खैर प्लीज आप मेरे गरीब बच्चों को फंड दे दीजिए, आपको गरीब बच्चों की बहुत ज्यादा दुआएं लगेंगी। शर्मी आती, इतना बड़ा तबेला रखा तुम लोगों ने, इतनी भैंसें रखी हैं, इधर बोल रही गरीब। भैंसें हमने नहीं रखी रवि बाबू, भैंसों ने हमें रखा है। एक्चुअली मेरे पति को ना कोई तबेले की सीढ़ियों पे छोड़ गया था, वो भैंस के बच्चे जैसे लगते है ना, तो इसीलिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ रवि बाबू, मेरे जो 5 बच्चे हैं ना आपके बहुत बड़े फैन हैं, मैं उनको आपकी तरह एक्टर बनाऊंगी। और 5 बच्चे आपकी तरह बहुत, मतलब बहुत फैन हैं आपके, उनको मैं आपकी तरह क्रिकेटर बनाऊंगी। और जो एक रह गया उसका क्या करोगे? उसको मैं रिक्शा लेके दूंगी क्योंकि वो निरहुआ जी का बहुत फैन है। लेकिन वो सब छोड़िए, आप हमें अपनी टीम में रख लीजिए क्रिकेट की। तुझे आता क्रिकेट? तो उनको कौन सा आता है, वो भी तो इतने बड़े बंदे को आउट करके उनकी सीट पे बैठी है। उनको कोई कुछ नहीं कहता है? मैं तो एक बात कहती हूँ तिवारी साहब, कि टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं होता, चलाकी आनी चाहिए। वो देखो भाभी, बहुत हो गया तुम्हारा, चलो मैं तेरी चोटी खा जानी तेरी, मैंने रायता लगा के। देवर जी आप ऐसे मत कहा करो। क्या हुआ तितली? पारू क्या कह रहे हो देवदास? अभी तुम्हारी लाल चुनरी देखता हूँ ना पारू, रिबन 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 तम के लगा ला कि जैसे ये दुनिया थम गई बारे पारू, ये चुनिया तोरे साथ का करता? चुनिया, चुनिया से भी कुछ बात कर। हमको लगता है कि चुनिया रहने दीजिए, पिताजी बना लेते हैं। क्या कह रहे हो चुन्नी बाबू? आप तो कछु नहीं बोले थे, तो आपका हमार पिताजी बनेंगे? नहीं। का कहना क्या चाहते हैं आप चुन्नी बाबू? अब बिना कहे समझ लो। तो रवि भैया, मनोज भैया, यहाँ पे फैंस जो है ऑनलाइन आपसे बातें करेंगे आज, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से यहाँ पे इनवाइट नहीं कर सकते। आइए देखते हैं कौन कौन हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। जी, फोन लगाया जाए। ये बहुत अच्छा है, वर्चुअल। हाँ, वर्चुअल एपिसोड हो गया। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू सो मच कपिल। प्रीति जी, आपकी तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आपका नाम प्रीति है और आप गंगानगर से, राजस्थान से बोल रही है, और आपके साथ उनका भी परिचय करवाए प्लीज। ये मेरे हस्बैंड है गगन लखीना। बहुत बहुत स्वागत है गगन जी आपका भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, आज हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं रवि किशन जी और मनोज तिवारी जी हैं हमारे साथ, और आपको पता ही है कि एक्टर्स तो बहुत अच्छे हैं, सिंगर भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। तो आज का ये जो हमारा मुद्दा है ऑडियंस के साथ बातचीत करने का, वो ये है कि अगर आपको मौका मिले राजनीति में आने का तो आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, अगर मुझे मौका मिलता है राजनीति में आने के लिए जी, तो मैं दो चीजों में चेंज लाना चाहूंगी, एक तो अनमैरिड पीपल के लिए और एक मैरिड कपल्स के लिए। और भाई साहब खुश हो गए, उनका लगा शायद हस्बैंड भी चेंज करेंगे ये राजनीति में। हस्बैंड कहाँ चेंज होंगे। अच्छा, तो एक मैरिड लोगों के लिए कुछ चेंज लाएंगे, एक अनमैरिड लोगों के लिए क्या होगा वो प्रीति जी? नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या होता है कि शादियों के लिए जब लड़की को देखने के लिए जाया जाता है तो लड़का आता है और लड़के के परिवार वाले आते हैं। उसके बाद जो इंटरव्यूज लिए जाते हैं कि चाय लेके आइए आप, आपको कुकिंग करना आता है कि नहीं आता, चल के दिखाइए एंड ऑल, ये बहुत ही अजीब सी बात लगती है कि लड़की जो है वो लड़के वालों के घर क्यों नहीं जा सकती है। हाँ। वो ये सारे क्वेश्चन उनसे क्यों नहीं कर सकती है कि आप चल के दिखाइए, आप चाय बनाइए, हमारे हस्बैंड लोग को भी ये सब कुछ आना चाहिए ना मैनेज करना। क्यों अर्चना जी आप बताइए, परमीत जी घर पे होते हैं तो आप उनको भी मैनेज करते हैं, अपना घर मैनेज करते हैं और यहाँ आके शूटिंग भी मैनेज करते हैं। सिद्धू जी को भी मैनेज कर गई है तो। बट हमेशा की तरह आज भी बहुत अच्छी लग रही हैं अर्चना जी। थैंक यू प्रीति। हे देवी, एक सेकंड के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कुछ, इजाजत है? नॉर्मली जब इंसान पैदा होता है तो 1.5-2 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देता है। हाँ। भाई साहब बोलना सीख गए कि नहीं? मैं जब से भाई साहब से बोलना है कि नहीं?
पाजी कुछ तो बोलो आप। अरे राम प्रभु ये चुप करे तो ही बोलू। मैं बोलूंगी मैरिड कपल्स में क्या होना चाहिए जी? हाँ जी, मैरिड कपल्स में ये होना चाहिए, अगर हम बीवियां लोग जो हैं, हम आपकी डाइट का ध्यान रखते हैं, हाँ जी, हम आपके कपड़ों का ध्यान रखते हैं जी, हम आपकी ईच एंड एवरीथिंग का ध्यान रखते हैं, हाँ जी, तो कभी ऐसा मौका आता है कि हमें पार्लर जाने का मन नहीं करता है या हमें तैयार होने का मन नहीं करता है, तो कम से कम हस्बैंड्स को मेकअप करना आना चाहिए। अच्छा वो कुछ कहना चाह रहे हैं, बार बार हाथ उठा रहे हैं, उनके उनके दर्द को सुन लीजिए। दीपा जी मुझे दूसरा मौका मिलेगा तो ठीक है, सेकंड टाइम अपने ऐसा कर लेते हैं, लड़की वाले को घर पे बुलाएंगे। ओ पन्ने ने सीधे चौका मारा, मौका मिले। रवि जी और मनोज जी से मेरा एक क्वेश्चन है जी, घर पर आपका क्या रोल रहता है? हमारा हाँ, घर पर आप कैसे बोलते हैं? मतलब जैसे आपके पतिदेव राइट में, मैं एग्जैक्टली उनसे भी बुरी हालत होती है। और मेरी पत्नी का नाम भी प्रीति है। अच्छा। और मुझे बोलने नहीं देती। और मैं नहीं बोलता हूँ, मैंने सरेंडर कर दिया, मैं खाली एक गेस्ट की तरह आता हूँ। मुझे कप को हटाने की भी इजाजत नहीं है, क्योंकि उनकी टेरिटरी है वहां पे, आई जस्ट कम। अब वो बोलेंगे खा लीजिए, यहाँ सुना है, एक कोना पकड़ के वहीं पे हिलता भी नहीं लेफ्ट में। वैसे प्रीति जी सारे सांसद इन्हीं की तरह नहीं है। बड़ा मजा आया आप दोनों से बात करके। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू लवली, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू। नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार सर। कहाँ से बोल रहे हैं बलराज जी आप? थाने भिवंडी से सर। थाने में हो, रहते हो के पकड़े गए हो? बलराज जी क्या करते हैं आप, पहले अपने बारे में बताइए। एक्चुअली सर मैं प्राइवेट सेक्टर में टीम लीडर हूँ। आज का हमारा मुद्दा भी लीडरशिप के ऊपर ही है कि अगर आप राजनीति में आते हैं तो आप कौन से ऐसे काम है जो करना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि सर पूरे देश में ब्यूटी पार्लर और जो भी मेकअप का सामान है ना वो बंद होने चाहिए। क्यों? ऐसी क्यों आप डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि सर इससे जो है ना लड़के लोगों को धोखा मिलता है सबको। क्या अभिप्राय है आपका इस बात से? मतलब बहुत चोट खाया हुआ इंसान लगता है मुझे। क्या धोखा मिला बलराज आपको? क्या हुआ है सर, लास्ट ईयर है ना, लास्ट ईयर अप्रैल में एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई थी सोशल मीडिया पे। हाँ। क्या वो लड़का निकला? नहीं नहीं, लड़की थी सर। अच्छा अच्छा, चलो ये बहुत बड़ी बात है। वो आगे बढ़ गई, चैटिंग वगैरह कॉल वगैरह होते रहे थे हमारे दोनों के बीच। अच्छा जी। हाँ, तो उसके बाद हमने एक बार है ना मिलने का तय किया और हम मिले भी है और हमने जो भी पिज्जा और बर्गर दोनों खाए साथ में मिलकर और हमने मूवी भी देखी। वो लड़की बोली अभी घर चलते, मैं बोला नहीं अभी थोड़ी देर रुक जाते। उसके बाद जो भी हम बातें करने लगे वहां बैठ के एक दूसरे के साथ, तो अचानक बारिश आ गई। उसका जो मेकअप था लड़की का वो पूरा धुल गया सर। उसके बाद मेरा माइंड ही सटक गया। यार ये बहुत सैड स्टोरी है यार। आपकी स्टोरी बड़ी मजेदार भी है और बड़ी दर्द भरी भी है। और असली खूबसूरती दिल की होती है, जिस दिन तुम्हें वो मिल जाएगी ना बलराज, उस दिन मेकअप नहीं ढूंढोगे तुम। बिल्कुल, ये भी ना बात, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपना ध्यान रखें और खुश रहें। थैंक यू बलराज, शुक्रिया जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपके साथ लाइव आके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके फैन है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। इस समय राजेश जी हमारे साथ, रवि किशन जी और मनोज तिवारी जी भी मेहमान हैं। नमस्कार मनोज तिवारी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, नमस्कार राजेश सर। मैं आपसे एक बात पूछनी चाहता हूँ, ये जो आप पीछे वो लड़का बाल सेट कर रहा है उसके अंदर लड़की भी है कि खाली फिग है वो? लड़की है, लड़की है, लड़की है। अच्छा, ओ, अच्छा। वाँ। वाँ यार। राजेश जी अगर आपको
राजनीति में आने का मौका मिले तो आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे? अगर मुझे नेता बनाया जाए तो सलोनी एसोसिएशन वाले को कहूंगा कि हर बंदा बच्चे से लेके बूढ़े तक 10 दिन में हेयर कट करे। क्यों? तो अगर उसके बाल ही नहीं बढ़े 10 दिन में तो क्या करोगे? बंदे को बार बार गंजा करोगे? गंजा हो जाएगा वो तो। ये तो आपके पर्सनल मतलब की बात होगी। गंजा नहीं करेगा ना। नहीं, इसमें थॉट क्या है इनका, चाहते क्या है? अब छोड़ो ना, उसका मन है ऐसा ही हो तो क्या करोगे? अच्छा, ये आपके गेस्ट नहीं क्या, आपके फ्रेंड सर्कल में से ही कोई बैठा कटिंग करवाया था ताकि लोगों को लगे कि सलून बिजी है? नहीं नहीं, ये बंदा मेरा लड़का है। अच्छा, हेलो हेलो। अरे वाह राजेश जी, आप यार बड़े, आप तो कैसे, बचपन में ही शादी हो गई थी आपकी? मैं राजेश जी से पूछ रहा हूँ, आप बड़े मतलब यंग हैं तो, और आपका बेटा कपिल सर जी वही खूबी है, आज भी मुझे बोलते हैं कि ये लड़का तुम्हारा छोटे भाई के जैसा दिख रहा है। बिल्कुल, क्या बात है, वेरी गुड। और आपसे एक चीज सीखी है मैंने आज, पूरा जिंदगी भर का लेसन है कि जल्दी जल्दी शादी कर लो, फिर बच्चे बड़े हो जाएं उनको काम धंधा सौंप के दूसरों की बीवियों के लिए गाने गाओ। ये मतलब वाह, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी हमारे साथ ऑनलाइन आने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू धन्यवाद। सत श्री अकाल कपिल भाजी। भाजी सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताओ सर। कहाँ से बोल रहे भाजी? सर दिल्ली से बोल रहा हूँ, दिल वालों की दिल्ली से सर। अच्छा जी, अरे वाह, आपके दिल्ली से मनोज जी हैं यहाँ पे। हेलो सर। और रवि किशन जी हैं यहाँ पे। गगन जी, हम लोग आज डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको राजनीति में आने का मौका मिलता है, आप नेता बनते हैं, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें आप बदलाव लाना चाहेंगे? सर अगर मैं जल्दी से जीत गया और नेता बन गया तो सबसे पहली चीज जो मैं युवाओं के लिए करूंगा, जो कपल्स होते हैं जो बेचारे पार्क में जाते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए और पीछे से पुलिस वाले आके जो उनको पकड़ लेते हैं और पिटाई उनकी बेचारों की अलग हो जाती है, वो चीज मैं बंद करा दूंगा। सच सच बताना, कितनी बार पकड़े गए पार्क में? सर सच बताऊं तो पर्सनल एक्सपीरियंस ही है सर, एक्चुअली पर लड़की का चक्कर नहीं था, फ्रेंड से मिलने गया था और उसके बाद बातें कर रहा था, पार्क के बाहर खड़े हो गया, दो पुलिस वाले आए और मेरे को मेरी बाइक उठा के ले गए। ये कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? कितने साल पहले की बात? 7-8 साल पहले की बात होगी। हाँ, अब माहौल बदल गया। बिल्कुल सर। और पाजी सर एक और चीज थी जो मैं लाना चाहूंगा, मैं एक कानून ऐसा ला दूंगा कि सर जो जितने भी रिश्तेदार हैं जो 25 साल के होने के बाद बार बार पूछते हैं बेटा शादी कब कर रहे हो, उनको सीधा जेल। यार ये बात ना आपने बड़ी अच्छी कही है, रिश्तेदार बड़ा तंग करते वाकई। चलो गगन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लाइव आने के लिए, बड़ी प्यारी मजेदार बातें करते हो आप, थैंक यू, शुक्रिया, अपना ध्यान रखें आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स लॉट। वाह, यार बड़े मजेदार लोग फोन कर रहे हैं। जी निशा जी, हम आ गए। ओए ये कितना छोटा बेबी, पूरे 3 जनरेशन है एक साथ। निशा जी, ये बंदा ना जो आपको फोन कर रहा है ये बहुत तंग करता है, इसका काटो फोन, काटो, ये हमारा ही बंदा है, हमें पता है। नहीं यार, कल तक सब ठीक था पर आज पता नहीं क्यों नेटवर्क इशू हो रहा है। और नहीं हो रहा है नेटवर्क, किसी और से बात कर रही है हमारी टीम। अरे बच्चे को पकड़िए, फोन में ना घुस जाए वो। अरे फोन तो रखिए, हमारी बात हो रही है डायरेक्ट, फोन रख दीजिए। हाँ नहीं, मैं नहीं रखूंगी, बड़ी मुश्किल में कॉल कनेक्ट हो पाया। अरे अरे कॉल हमारा सामने वाले फोन से हो रहा है, ये कान वाला फोन हटा दो। ऑडियो उसी पे है क्या? अच्छा ठीक है, फिर इसी से आप हमें देख पा रही है निशा जी? हाँ सर, मैं आपको देख पा रही हूँ, आपने ब्लू कलर की शर्ट पहनी जो आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। ओह थैंक यू निशा जी। आप रवि जी को देख पा रही हैं? ओह निशा जी नमस्कार, देख पा रही हूँ। हेलो सर, कैसे हैं आप? अच्छा निशा जी एक बात बताइए, निशा जी कहाँ से बोल रही हैं आप? सर मैं अहमदाबाद गुजरात से बोल रही हूँ। अच्छा तो निशा जी आपके साथ इस समय कौन कौन बैठा हुआ है, ये बच्चा आपका है, बेटा आपका? एक ये मेरा बेटा है 5 साल का। 5 साल का? अच्छा जी। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बड़ी प्यारी है, बहुत बहुत प्रणाम आपको। निशा जी की सासू जी प्रेग्नेंट है, 9 मंथ चल रहा है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
आप स्वस्थ रहें और होने वाला बच्चा भी जो है बहुत स्वस्थ हो। सब बच्चों वाला परिवार, हाँ बच्चों वाला परिवार खाली। और हम लोग बातें कर रहे हैं कि अगर आपको राजनीति में आने का मौका मिले तो कोई एक या दो काम जो आप करना चाहेंगी। सर अगर मैं राजनीति में आती हूँ तो सर समाज सेवा तो करूंगी, वो तो ठीक है, पर हाँ। सबसे पहला काम मैं ये करूंगी कि मैं अपने सारे रिश्तेदारों को ना ठेंगा दिखाना चाहूंगी। ठेंगा क्यों? क्योंकि जब भी कुछ करने का टाइम आता है ना तो घर वाले यही बोल देते थे, नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगी, रहने दो। तो भाई देख लो मैंने कर दिखाया। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है। एक बार और दिखाना चाहती हूँ, ये तो देख लो, बहुत करीब से देख लो मैंने कर दिखाया, कर दिखाया। यस आप बड़ी प्यारी हैं निशा जी, आप अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। तो और निशा जी और सुनाओ कुछ, देवरानी पीछे मंद मंद मुस्कुरा रही है, देवरानी अच्छी है आपकी, लड़ती तो नहीं आपके साथ? क्या कहना चाहती है जी? बोलो। हेलो देवरानी, कैसी हो देवरानी? एकदम बढ़िया। अच्छा मैं आपको एक और राज की बात बताऊं, ये जो फोन पे आप बोल रहे हो ना ये मैं सुन ही नहीं रहा हूँ, ये कोई और सुन रहा है, आपको मैं वही सुन पा रहा हूँ जो आप सामने देख के बोल रही हैं। हाँ। ये है आज की राज की बात। वो हमारी टीम का बंदा सुन रहा है फोन पे, काट दो इसका फोन, ये ऐसा ही है लड़कियों को खूबसूरत को फोन करता रहता है। शोर शराबा सुन के बच्चा ना उठ जाए पीछे, वो बेबी सो रही है। यार बड़ी प्यारी है, वाह How sweet. Oh, sweet. God bless. क्या नाम है उनका? भव्या। बहुत खूबसूरत नाम है, बच्चे वैसे ही बड़े प्यारे लगते हैं, भगवान का रूप होते हैं। बाय जी बाय, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बेटा, थैंक यू निशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह मनोज भाई, रवि भाई, ये तो जो लोगों के चाहे हंसी मजाक में बातें कर रहे थे कि हम पॉलिटिक्स में आएंगे तो ये करेंगे, आप तो ऑलरेडी हैं, अभी आपकी प्रायोरिटी क्या है मनोज भाई? मैं एक्चुअली बहुत ध्यान से सुन रहा था, लेकिन मैं ऐसा भी सोच रहा था कि कोई ये बोले कि अगर हम नेता बने तो हम गंगा को, यमुना को, नदियों को जी स्वच्छ करने का काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है, जैसा कि आजकल हम लोग इस प्रायोरिटी को ध्यान में लेके चल रहे हैं, अब तो नदियों का एक मंत्रालय ही बन गया है, नमामि गंगे। अच्छा गंगे, तो इसका भी मैं देश के लोगों से हाथ जोड़ के, खासतौर से बच्चों से, युवाओं से, महिलाओं से, बहनों से बोलना चाहता हूं कि नदियों की स्वच्छता पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि वो घूम के वही हमारे पेट में जाता है। और लोगों से हमारा ये आग्रह है कि जब भी आप कभी बीच पे जाएं या नदी किनारे जाएं, लोग क्या करते हैं पिकनिक मना के आ जाते हैं, उनको लगता है कि हमारा घर तो वो है। हाँ। तो ये पूरा देश ही जब हम अपना घर मान के चलेंगे उसके बाद आप फिर बोल सकते हैं। हम लोग बड़ा बहुत करते हैं ना कि बाहर से जाके आए कि फलानी कंट्री तो साफ बड़ी है, हम लोग वहां पे जाके सडनली इतने वो ओबिडेंट कैसे हो जाते हैं कि अरे टॉफी का रैपर फेंकना है, डस्टबिन कहाँ है अपने देश में, बोलते हमारा देश महान, तो अपने देश में गंद डालना बंद करें। बड़ी खूबसूरत बात कही जो नदियों की सफाई की, और मैं ये अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अगर मनोज भाई कर्मठ नेता हैं तो रवि भाई जो हैं ये भी बड़े जुझारू नेता हैं। इन्होंने अभी जो लॉकडाउन का ये जो समय चल रहा है और इस समय में बहुत जरूरत थी हमारे पॉलिटिशियंस को भी आगे आके काम करने की, तो रवि भाई ने अपने जो क्षेत्र में बड़ा ही खूबसूरत काम किया है, तो कुछ पिक्चर्स हैं जो हम दिखाना चाहते हैं आप सबको। ये सब हम लोग खाना परोसते थे, इसलिए नेता बनने के पहले सोच ले कि अपनी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ये तो मैं ट्रक में सामान बांटने जाता था। अच्छा जी वाह, मैं खुद ट्रक में जा रहा हूं, ये सब सैनिटाइजर और ये है पुलिस को भी दिया, झोला बना रहे हैं वो भी एक एमपी खड़े बैठे में निशिकांत दुबे। ये बाढ़ क्षेत्रों में हम अभी गोरखपुर में गए थे तो अच्छा वहां अनाज अपने से बांट के सबको, तो हमारा गोरखपुर हमेशा बाढ़ से ग्रसित होता, कटोरे की तरह है, पानी निकलता नहीं वहां पर, तो बहुत तकलीफ होती है, और हमेशा नेपाल से पानी आता है, तो हमारे यहाँ राप्ती नदी है भर जाती है। ये जब पानी यहाँ पर, अब मैंने सड़क बना दी देवरिया वाली रोड पे, हमेशा बहुत पानी लग जाता था, अब वहां पर स्मूथ
लंबी सी एक सड़क बन गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी जी, तो पर आप लोगों के बीच में जब रहते हैं लोग आपसे और ज्यादा प्रेम करते हैं। मुंबई से सबको ट्रेन में बिठा के भेजना था, जो बहुत जो बिगिनिंग में पैनिक सिचुएशन था। जी जी। तो उस टाइम पे हम सबको यहाँ से भेज रहे थे और भारत सरकार, रेलवे, हमारी सरकार ने सबको फ्री ट्रेन शुरू किया था। तो आई वाज सीइंग कि सबको खाना और पानी पहुंचे और इत्मीनान से जाएं, डरे नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग करवा के भेजे थे हम सबको। ये बूढ़ी माम को आशीर्वाद देते, यही यही पुरस्कार है अपना, यही पुरस्कार बस इसीलिए। बहुत बढ़िया रवि भैया, मनोज भैया, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। सो रवि भैया, मनोज भैया आइए, एक बार जोरदार तालियां रवि भैया और मनोज भैया के लिए। रवि भाई, मनोज भाई, आज इतना मजा आ रहा था, कसम से हमारा दिल नहीं चाह रहा था कि ये एपिसोड खत्म हो, क्योंकि आप दोनों की बातों का इतना लुत्फ लिया हमने, इतना आनंद लिया। और हमें इस बात की भी खुशी है कि आप लोग भी इतने देर से, लगातार जब से लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में जो इतना निकल के काम कर रहे हैं। तो आज थोड़ी देर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देख के भी हमें बहुत अच्छा लगा। सो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच कपिल भाई, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और आप सब भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। गुड नाइट, शब खैर, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।